आइए खा लीजिए केक। ये खा रही हूँ मैं केक। आप भी खा लीजिए। मैंने ये घर बनवाया, मकान बनवाया, तो किसी दिन मैं केक खा के गुजारा कर लेती थी। केक खरीदा, खा लिया, टाइम ही नहीं मिलता था इतना मकान। मैं सारा दिन ये लाओ वो लाओ, यहाँ जाना वहाँ जाना, चक्कर में थक जाती थी। तो दोपहर को केक खरीदा, खाया, बस। आज तो ऐसा नहीं है, आज तो मैं खाना ले गई थी, बना के खाना खाया मैंने सेंटर पे, मगर मुझे पसंद है केक, मुझे बहुत पसंद है। और ये बिन रही हूँ बेबी प्रिशा का, मैं सूट गरम पजामी वाला, और सर आगे का पीछे का पर्दा पूरा हो गया है। ये पीछे का है और ये पीछे का तैयार कर लिया है, ये आगे का है बुन रही हूँ मैं, बस आगे का थोड़ा सा ही रह गया है, ज़्यादा ज़्यादा 15-20 मिनट लगेंगे। एक तरफ का पूरा हो गया है गला मुद्दा, एक तरफ का रह गया है। तो ये एक्चुअली क्या है कि ये ऊन बची हुई मेरे पास रखी थी 1 पौंड के करीब, मैंने तुलवाई तो 1 पौंड निकली। अब ये ज़्यादा बहुत अच्छा तो लग नहीं रहा, लेकिन ये बताइए आप कि इस ऊन का क्या करती फिर मैं, है ना, किस काम आएगी। तो मैंने सोचा कि मैं इसे बना देती हूँ, घर में पहन लेगी, बच्चों को घर में पहनने के लिए पता नहीं कितनी ज़रूरत पड़ती है, कितने जोड़ी चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि ला मैं बना देती हूँ। और ये मैंने बना रही हूँ। अभी मैंने पिछले साल अपना स्वेटर बनाया था, क्योंकि घर में पहनने के लिए तो वही चाहिए, हाथ का बुना हुआ ही, उसमें ही भागती। देखिए एक तरफ का रह गया, एक तरफ का गला भी हो गया, मुड्ढे भी हो गए, बस ये 10-15-20 मिनट के में हो जाएगा। तो इसे पूरा करके फिर मैं आस्तीनें डाल देती हूँ, आस्तीनें बुन जाएंगी तो पजामी बुन लूँगी, एक सेट बुन लूँगी। एक स्वेटर मैंने उसे क्रीम कलर का और मेहरून कलर का पिछले साल बुना था, तो इस साल दे दिया है। और छोटे छोटे तो जब छोटी थी तो बहुत बुने थे मैंने, अब ये इतना बड़ा है कि अगले साल भी पहन लेगी, उससे अगले साल भी पहन लेगी। तो बस ये हाथ के बुने हुए में अच्छा लगता है। एक अगले साल मैं बेटी को भी बुन के दूंगी, हाफ का हाफ जैकेट साइड के जेबों वाली, घर में पहनने के लिए बुन के दूंगी। स्वेटर तो गर्म कपड़े तो बहुत हैं भाई, बहुत है, मेरे पास तो काफ़ी हैं। इस साल मैंने कुछ नहीं खरीदा और ना ही मैं खरीदूंगी, क्योंकि मेरे पास गर्म कपड़ा बहुत है। तो बस यही मैं बना रही थी, मैंने कहा कि लाओ आपको दिखा दूँ, जब तैयार हो जाएगा तो मैं दिखाऊंगी, हो जाएगा 10 अगर लग के बुनूंगी, क्योंकि अभी 1 हफ्ते में अब उठाया है मैंने, 1 हफ्ते से बिल्कुल हाथ नहीं गया मेरा स्वेटर पे, क्योंकि बेटी आई हुई थी, मेहमान आ गए थे, तो काम में टाइम नहीं मिला, इधर इलेक्शन थे, इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई थी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो उसमें ही लग रही थी। तो 1 हफ्ते से तो मैंने बिल्कुल नहीं बुना, जब बुन जाएगा तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। अब हो गया है टी टाइम, बज रहे हैं 4:45, 4:45 हो रहे हैं, और मैंने सोचा लाओ चाय बना लेती हूँ, तो मैंने चाय बनने रख दी है, अदरक डाल दिया है, और ये दूध निकाल रही हूँ मैं फ्रिज में से, दूध निकाल के मैं दूध डाल दूँगी, चाय खोल गई है, देखिए चाय खोलने वाली है, दूध डाल दूँगी फिर पकती रहेगी आराम से, दूध रख दूँगी। और दूध मैंने डाल दिया है, और इधर सोच रही हूँ मैं कि चाय के साथ क्या खाऊँ, मैं कुछ नमकीन सोच रही थी, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि मठरी रखी है, लड्डू बेसन के, बूंदी के, और मठरी रखी है, तो फिर मैं फ्रिज बंद कर दिया है मैंने, और मैंने मठरी उठा ली है, इसके अंदर रखी है, मुझे ध्यान ही नहीं था, फिर ध्यान आया कि रखी है। मैंने फिर डिब्बा खोला है, डिब्बा खोल लेती हूँ, डिब्बा खोल के देखो मठरी और लड्डू, और बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, मठरी रखी है, और मैं 2 मठरी निकाल लेती हूँ, वैसे खाए नहीं जाएंगे, उससे लड्डू भी एक खा लेती हूँ। आइए इवनिंग की टाइम है, आप ले लीजिए नाश्ता भी और चाय भी, और मैं खा रही हूँ लड्डू। आप सोचेंगे कि चाय के साथ लड्डू का क्या साथ है,
क्योंकि लड्डू खा के चाय फीकी लगती है। जी हाँ, फीकी लगती है चाय, लेकिन मैं खा रही हूँ। मैंने कहा पहले लड्डू खाती हूँ, बाद में लड्डू फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं खा रही हूँ मठरी। और मठरी के साथ चाय तो अच्छी लगती है, आपको पता ही है। तो आइए आप भी खा लीजिए। चाय मैंने पी ली है और अब लाई हूँ मैं हींग की डिब्बी। ये मैं अनपैकिंग कर रही हूँ, ये पूरी डिब्बी भरी रखी थी इधर, ख़त्म हो गई थी किचन में, ख़त्म हो गई थी। तो ये हींग मैंने इसमें लोट ली है, थोड़ी सी गिर भी गई है। और ये हींग मैंने छोटी डिब्बी में लोट के मसालेदान में मैं रख दूँगी। और ये बड़ी, हाँ, मसालेदान में रख दी थी। और ये मैंने वीडियो में दिखाई दे रही है, गिरी हुई जब नहीं दिखाई दी। अब बड़ी डिब्बी उठा के रखाऊंगी। ये मूंग की दाल है, मूंग की दाल की खिचड़ी बनाऊंगी मैं शाम को। इसे मैं धो लेती हूँ अच्छी तरह दो बार, और धो के देखिए, ज़्यादा धोना तुम्हारे चावलों पे मैटर करता है, दाल पे मैटर करता है कि वो कितनी गंदी है। हम लोग लाते हैं कचरे से सामान, तो उसमें कोई मैटर नहीं करता। देखो बेबी पेशा कितना शोर मचा रही है। तो दो बार मैंने ये धो लिया, देखिए बिल्कुल साफ निकल आया है पानी, है ना। दो बार दूध, और ये तीसरी बार में भिगो के रख दूँगी। जब मैं बनाऊँगी तो ये वाला पानी इसका मैं निकाल के और फिर मैं बना लूँगी। बस मूंग की दाल बनाऊँगी और ये डिब्बी और दाल में उठा के अंदर रखाती हूँ किचन अलमारी में, जो मेरी किचन अलमारी दूसरे वाले रूम में रखी है, गेस्ट रूम में, उसमें मैं रखाती हूँ। तो ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी देर में। और जी कैसे हैं, देखिए बेबी प्रिशा कितना परेशान कर दिया ये है। ये कह रही है मुझे मोबाइल दे दो, मैं मोबाइल से खेलूँगी, है ना, है ना बेबी प्रिशा। क्या बोल रहे, बोलो क्या कह रहे हो, बोलो बोलो। बुआ को बुला लो, बुआ को बुलाओ, आओ देखो देखो बीबी पिछा देखो, बुला लो, आजा आजा आजा, टाटा कर दो, अच्छा टाटा टाटा कर दो, टाटा करो, टाटा टाटा। कहो मेरी वीडियो पसंद आए तो कहो लाइक करना, कहो तो कहना कहना बीबी पिछा लाइक करना, और कहो मेरे दद्दा के चैनल को हाँ कह रही सब्सक्राइब करना, और मुझे मेरे दद्दा को कमेंट, हाँ कैसे कह रहे हो ऐसे। टाटा कर दो, बाय 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 बाय।